सेल। अभी तक हमने देखा कि यूनिट सेल जो होते हैं वो 7 टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं, मतलब उनके ज्योमेट्री के हिसाब से, उनके पॉसिबल स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर हम इनके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनके पॉसिबल स्ट्रक्चर के हिसाब से ये 7 तरीके के हो सकते हैं भाई, है ना। कौन कौन से अगर याद हो तो, CTO HR MT, क्यूबिक, टेट्रा, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, के 7 तरीके के होते हैं। अब बात है इनमें से कोई एक, मान लो मैं हेक्सागन की बात कर रहा हूँ, हेक्सागोनल की, या क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, तो ये क्यूबिक भी कितने तरीके के हो सकते हैं, हेक्सागोनल भी कितने तरीके के हो सकते हैं, मोनोक्लिनिक कितने तरीके के हो सकते हैं, अब हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे मैंने तुमको इसका याद करा दिया था एक फोन नंबर के फॉर्म में, है ना, 3241121, है ना। टोटल 14 तरीके के पॉसिबल बनते हैं, जैसे कि जो क्यूबिक है वो 3 टाइप का होता है, जो ऑर्थोरोम्बिक है वो 4 टाइप का होता है। तो ये तो हम कर चुके थे, मतलब नाम नाम इनके हमने, नाम भी नहीं सिर्फ कि इतने नंबर होते हैं, ये हम कर चुके थे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, एक एक करके इनका जो टाइप है, जो इसे 4 है या 3 है, ये कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। इट्स सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। यूनिट सेल को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या सिंपली इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, है ना, सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल यूनिट सेल इसको बोला जाता है। दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं ना, नॉन प्रिमिटिव को दूसरा नाम होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या मेरी बात समझे? प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जिनको कहते हैं सिंपल टाइप के जो होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं, इनमें थोड़ा सेंटर्ड का काम होता है। तो ये नॉर्मली हमारे पास है, एक हल्का हल्का सा आइडिया सबको हो गया। और ये थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन कौन सा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दोबारा बोल रहा हूँ, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बात समझ में भाई? फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, यानी हमारे पास जो यूनिट सेल है अगर बेसिकली देखा जाए तो वो 4 टाइप के हो सकते हैं। सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। दोबारा से बोल रहा हूँ, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो अब एक एक करके इन सब की शुरुआत कर रहे हैं। देख, हम एक एक करके अगर बात करें, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ 4 टाइप, अगर हम क्यूब में करके इनको समझते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं पहले प्रिमिटिव यानी सिंपल वाले की बात करें, सिंपल क्यूबिक जो बोले ना, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है भाई। अगर जो हमारे पास एटम्स थे ना सॉलिड, इस तरीके से अरेंज थे, इसी तरीके से अरेंज थे, और 3D की बात हो रही है बेटा, ध्यान देंगे ना, इस तरीके से ये अरेंज है। हमें क्या करा था, इन सबको एक एक सेंटर मान लिया था, और 3D में हम सोच रहे थे यानी इसके ऊपर एक एक एटम की लेयर और है, इसके ऊपर एक एक एटम की लेयर क्या है और है। यानी कि अब हम क्या करें, इनको सिर्फ एक सेंटर माने, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बन रहा है।
इसमें क्या है देखो, कॉर्नर पे सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर वाले हैं, देखो कॉर्नर कॉर्नर वाले क्या है ये है, यानी कि ये जो सिंपल क्यूबिक है इस तरीके का। देखो हम ना अब इस चैप्टर में जब भी पढ़ेंगे इस तरीके के पैटर्न को हम ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ना। ये पूरा हमने एक लैटिस है जिसमें खूब सारे बन रहे हैं, हम इसमें सिर्फ एक पार्ट को लिया है वो क्या हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। तो ये सिंपल यूनिट सेल है, मैंने क्यूब बनाया इसलिए क्यूबिक बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, ये सिंपल क्यूबिक है एक तरीके, और हमारे कोर्स में सिर्फ क्यूबिक है, हमें सिर्फ क्यूबिक पढ़ने हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे, इसलिए इनको सिंपल क्यूबिक बोला जाता है ना। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में एससी बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसको बनाते हुए ध्यान रखना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, कि कॉर्नर्स पे चार हैं और चार नीचे कॉर्नर्स पे, यानी ये क्यूब के कॉर्नर पे आठ है, हाँ या ना। इस कॉर्नर पे कितने हैं, इसके टोटल आठ कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर पे एक एक क्यूब हमारे पास, एक एक जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट है। तो ये सिंपल क्यूब हमारे पास हो गया। इसको जब भी हम ड्रॉ करेंगे दिमाग में ये चीज़ हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि ये जो ऊपर के चार है या नीचे के चार है, ये सब एक दूसरे से टच में है ना, कॉन्टैक्ट में है, एक दूसरे के साथ रखे हुए, पक्का ना। चलो अगर ये चीज़ समझ आई तो एक सिंपल सा छोटा सा सवाल अगर मैं बोलूँ, एक क्यूब है ना, मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ, देखना। ये क्यूब है, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। और ये क्यूब है जिस क्यूब की एज लेंथ है ना, इस क्यूब की एज लेंथ है, बताओ एज लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लेट्स से कितनी 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन एटम, इस एटम की रेडियस क्या होगी ये बता, है ना। यानी कि एज लेंथ मतलब साइड होती है, तो इसकी साइड कितनी है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर मैंने दी है, तो ये 10 सेंटीमीटर तो सारे 10 है ना, बट क्यूब है तो सारी साइड इक्वल ही होती है, तो अगर ये 10 है तो इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर, 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर, 5 क्यों, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है ना, तो ये दोनों कॉन्टैक्ट में अगर इस तरीके से हैं तो दोनों के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 10 दिया हुआ है, तो ये आधा कितना हो गया 10/2 यानी कि 5, भाई दोनों के बीच का दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है, तो 10/2 एक की रेडियस हमारे पास हो गई। तो ये एक सिंपल क्यूबिक हो गया, यानी प्रिमिटिव एक ही है सिंपल वाला ना। दूसरी बात करते हैं फेस सेंटर्ड की, फेस सेंटर्ड, देखो मैं अभी क्यूब के लिए बता रहा हूँ इसलिए सारे वर्ड क्यूब यूज करूंगा, बाकी ये हर एक में अलग अलग हो सकता है ना। तो हम जैसे क्यूब की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड जो है इसमें कैसे है, देखो इस तरीके से समझना, एक क्यूब के पहले ये समझना, एक क्यूब के कितने साइड्स यानी कितने फेस होते हैं ना। एक जो क्यूब है इस क्यूब के कितने साइड्स हैं, मतलब कितने फेसेस हैं, जैसे ये एक दो है ना, यानी ये कमरा ही समझ लो, कमरे में एक छत, एक फ्लोर, दो और चार दीवारें, ये टोटल 6 फेसेस हो गए।
एक क्यूब के टोटल छह फेज होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके छह फेज हैं, सबको क्लियर हो गया होगा। अभी छह फेज में कैसे क्या करना है, देखो तुम्हें ये समझना, फेस सेंटर्ड में जो ये चार एटम हम इस तरीके से लेते हैं, ये जैसे ये जो चार एटम हमने ऐसे लिए थे एक सिंपल में, अब हमने क्या किया इसके बीच में एक एटम घुसा दिया जो इसके बीच का खाली जगह थी, यानी ये अब इस तरीके से होगा। मैं एनिमेशन पे भी दिखा देता हूँ कैसे फेस सेंटर्ड होता है, इस तरीके का है ये एक साइड है। ऐसे ही इस क्यूब के टोटल, इस क्यूब में जैसे ये एक साइड मैंने बनाई है, ऐसे इस क्यूब की, एक क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं, छह, तो हर एक साइड इसी तरीके की होगी। कुछ कुछ समझ आया, नहीं आया तो इसको थोड़ा सा बड़े वे में समझते हैं कि ये हमारे पास एक वो है, एटम है, ये मैं क्यूब बना रहा हूं, इसमें देखो कॉर्नर पे आठ तो है ही है, एक क्यूब के जो कॉर्नर पे आठ एटम्स हैं, यानी आठ जो पार्टिकल्स हैं वो तो है ही हैं। उसके अलावा इस क्यूब की कितनी फेसेस हैं भाई, इस क्यूब में टोटल छह फेस हैं, यानी छह साइड्स हैं, तो हर एक साइड के सेंटर पे, जैसे ये है तो इसके यहाँ पे एक सेंटर पे, ऐसे ये नीचे वाली साइड है तो इसके सेंटर पे एक एटम है, ऐसे ही एक इधर है, टोटल छह साइड्स हैं तो छह मैंने बना दिए। ये चाहो तो इस तरीके से भी बना लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होगा, एक क्यूब की जो छह साइड्स हैं, हर एक साइड के सेंटर में एक एक एटम है, यानी अगर देखो मैं ऊपर से टॉप व्यू देखूं, ऊपर से देखूं तो मुझे इस तरीके से दिखेगा, छह एटम, चार एटम कॉर्नर पे, बीच में एक रखा है। अगर मैं नीचे से देखूं तो चार है, एक यहाँ पे, देखो इस नीचे से देखूं तब भी यही सिनेरियो दिखेगा, चार कॉर्नर पे, एक बीच वाला रखा हुआ। अगर मैं इस साइड से देखूं, इस वाले फेस को देखूं, तब भी देखो क्या होगा, चार इधर एक सेंटर पे। तो इसी तरीके से ये फेस सेंटर्ड होता है। फेस सेंटर क्या होगा, जिसमें क्यूब यानी जो सिंपल फिगर है वो तो है ही, जो इसकी साइड है, साइड के सेंटर पे भी अगर एक एटम प्रेजेंट हो तो नाम हो जाता है फेस सेंटर। दोबारा बोल रहा हूं, तो उसको क्या बोल जाते हैं, फेस सेंटर। श्योर सबको ये बात क्लियर होगी, होगी है ना। अगर ये क्यूबिक में हो, अगर ये किस में हो, क्यूब में हो, तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्ट में एफ सी सी। हाँ है ना, क्या बोलेंगे शॉर्ट में, एफ सी सी, क्लियर है ना। इसमें लिखने के लिए ऐसा लिख देंगे फेस सेंटर में, फेस सेंटर इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच वन एटम, इन विच एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ फेस, एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें फेस सेंटर बोलते हैं। चलो अगला देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कैसा होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, एक ये मानेंगे ये चार है, ये चार है, अब एक एटम लिया, सिर्फ एक सिंगल एटम लिया, उसको इसके ऊपर रखा बीच में, हाँ या ना, पहले चार लिए फिर एक एटम, देखो सबकी रेडियस सेम ही है, तो ये चार लिए फिर इसके सेंटर पे एक लिया, फिर से चार लिए और इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया,
थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। एक्चुअली ना ये टच नहीं होते, थोड़ा सा गैप होता है, मैं ये गैप बना ही देता हूँ तो सही रहेगा, एनिमेशन में तुम्हें बहुत क्लियरली दिख ही जाएगा। इस तरीके का एक छोटा छोटा इनमें गैप होता है, इसके ऊपर एक बीच में हमने रख दिया। ये दूसरी लेयर है बेटा ना, जो ये मैंने ब्लू, जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये इसके ऊपर रखा हुआ है। और ऐसे ही चार एटम, फिर से तीसरी लेयर हमने ली और उसके ऊपर ऐसे ही चार एटम और रख दिए, चार एटम और रख दिए। यानी कि इन शॉर्ट इसको ऐसे समझना है कि ये क्यूब है। बात ये होगी सर, दिमाग में ऐसा आ रहा होगा सर आपने तो कहा था टोटल 7 तरीके के यूनिट सेल हैं और आप बार बार क्यूब बना रहे हो। बेटा हमारे कोर्स में सिर्फ क्यूब ही है ना, होने को तो 7 तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। हमें इस क्यूब के बारे में पढ़ना है और एक हेक्सागन के बारे में भी थोड़ा सा आएगा, बट वो जहाँ आएगा तब बता दूंगा, बाकी पूरा चैप्टर सिर्फ क्यूब के अबाउट घूमेगा। तो ये अगर एक क्यूब है जिसके कॉर्नर्स पे तो 8 ही है, इसके कॉर्नर्स पे तो 8 ही हैं पक्का। उसके अलावा इसके बॉडी सेंटर में, इस पूरे बॉडी के सेंटर में, दोबारा बोल रहा हूँ, इस बॉडी के सेंटर में एक एटम और रखा हुआ है। ये पूरी बॉडी के, ये विद इन अ बॉडी है मतलब, और जो फेस था वो फेस में था, यानी उसकी साइड में था। यानी ये मान लो कि ये जो क्यूब हमने बनाया इसमें जो ये एटम है, ये इस जैसे रूम है, ये पूरा एक रूम है और रूम के बीच में सेंटर में एक एटम रखा, फेस सेंटर में, रूम पे दीवारों पे सेंटर पे या छत के सेंटर पे या फ्लोर के सेंटर पे रखा हुआ था। तो उसमें 6 थे, इसमें बॉडी सेंटर में, पूरी बॉडी के सेंटर में एक एटम रखा हुआ। तो यहाँ पे तुम बॉडी सेंटर में अगर डेफिनेशन लिख लियो तो इट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच एटम इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड, मतलब गिवन फिगर, उस फिगर के बॉडी सेंटर पे एक एटम होना चाहिए, तो उसे बॉडी सेंटर्ड कहेंगे, है ना। इसमें ना देखो ये चीज है कि यहाँ पे जैसे हमने एक वो सवाल किया था कि इन दोनों के सेंटर के बीच का अगर डिस्टेंस, यहाँ से इसकी एज लेंथ अगर 10 है तो रेडियस 5 नहीं होगी, क्यों? बॉडी सेंटर में 5 नहीं होगी, फेस सेंटर में 5 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उनमें ये थोड़े दूरी पे होते हैं, सिंपल क्यूबिक में ये बिल्कुल टच होते हैं, तो इसीलिए दोनों का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना। हम पढ़ेंगे भी बेटा, रेडियस निकालना सीखेंगे भी। तो अभी बस एक टाइप ऑफ फिगर देख लो कि फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड दो हो गए। तीसरा जो है नॉन प्रिमिटिव में, वो है हमारे पास एज सेंटर। या एंड सेंटर देखते हैं पहले, एंड सेंटर, एंड सेंटर बड़ा सिंपल सा क्या है कि अगर एक ये गिवन क्यूब है, ये हमने एक क्यूब बनाया, ये गिवन क्यूब में, ये गिवन क्यूब जो है हमारे पास, इस क्यूब में कॉर्नर पे तो देखो हमेशा 8 रहते ही रहते हैं भाई, ये कॉर्नर पे हमारे पास ये 8 है ही है, इस कॉर्नर पे ये 8 है। उसके अलावा एंड सेंटर में समझेंगे, उसके अलावा इस क्यूब के कोई भी दो फेजेस, कोई भी दो आमने सामने वाले फेज, मान लो मैं ये ले रहा हूं, तो अगर ये लिया तो इसके बिल्कुल सामने वाला, ये बिल्कुल आमने सामने वाले है ना, बिल्कुल आमने सामने वाले का जो ये जो सेंटर है उस पर एक एक एटम होना चाहिए, फेस सेंटर। क्या मेरी बात समझ आई? बिल्कुल आमने सामने वाले के फेस के सेंटर पे होना चाहिए, उसे फेस सेंटर कहते हैं। ये एंड सेंटर हो गया, एंड सेंटर में सामने वाले के जो आमने सामने वाली फेज है उसके सेंटर पे एक एक एटम होना चाहिए, वो एंड सेंटर होता है। पक्का या नहीं? श्योर? कोई डाउट है तो मुझे बोलेंगे। एंड सेंटर क्लियर हो गया, मैं मिटा रहा हूँ ना, और एक बार के लिए चारों को थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, जो हमने चारों लिखे हैं इनका समरी देख लेते हैं, क्योंकि यही पूरा चैप्टर भी है। सिंपल क्यूबिक है ना, क्यूब की अगर हम बात करें, सिंपल क्यूबिक, दूसरा FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एज सेंटर्ड क्यूबिक, एज सेंटर क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्या है? एक जो क्यूब है उस क्यूब के, ये जैसे ये क्यूब है, पहले तो सबने ये क्यूब बना देते हैं, है ना। तो ये एक क्यूब है, थोड़ा सा मैंने फिगर आगे पीछे बनी है बट चलेगा, एडजस्ट करना ना। ये एक क्यूब हमने बना। अगर इस क्यूब में, सिंपल क्यूबिक में क्या है, सिर्फ कॉर्नर्स, कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है, एटम कहाँ है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक। इसमें कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट है, 8 एटम्स प्रेजेंट। कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट है बेटा, 8 एटम्स प्रेजेंट। FCC में क्या है, देखो कॉर्नर तो है ही, उसके अलावा हर एक के फेस सेंटर पे भी एक एक एटम प्रेजेंट होता है, तो टोटल 6 फेस होती हैं, तो 6 सेंटर हो गए। तो इसीलिए इसके कॉर्नर्स पे कितने हैं, कॉर्नर पे तो 8 है ही है, और फेस सेंटर पे कितने हैं, फेस सेंटर पे इसके कितने हैं, 6 एटम्स हैं। हाँ या ना। अगला BCC, BCC में क्या है, ये कॉर्नर्स पे हो गए, कॉर्नर पे 8 तो एटम है ही है, उसके अलावा पूरी बॉडी के सेंटर में एक एटम और प्रेजेंट होता है। तो यहां पे क्या हो गया भाई, कॉर्नर्स पे कितने हैं, 8 है, फेस सेंटर पे कुछ नहीं होता, बॉडी सेंटर पे कितने होते हैं इसके, बॉडी सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होता है। सिमिलरली इस एज सेंटर में हमने क्या देखा कि कॉर्नर्स पे तो 8 है ही भाई, कॉर्नर पे तो 8 है ही, उसके अलावा कोई भी दो फेस, जैसे हमने आमने सामने वाली फेस ली, तो दो आमने सामने वाली फेस, जैसे ये दो फेस थी, इन दोनों के फेस पे एक एक है, यानी फेस सेंटर ही है इसमें भी, बस सिर्फ दो पे होता है इसलिए एंड सेंटर बोल देते हैं। तो इसके दो फेस सेंटर होते हैं आमने सामने वाले। तो ये सिंपल क्यूबिक के 4 तरीके के हमने पैटर्न देखे, सिंपल, FCC, BCC और ECC। हाँ है ना, क्लियर हो गई यार ये पूरी बात। तो ये हमारे पास 4 तरीके की फिगर है, क्यूब है ना। ये हमारे कोई कोर्स में नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है, क्यूब के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इस चैप्टर को, ये हमारा कोर्स में नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बट हमें क्या करना है, इस चैप्टर को समझने के लिए क्यूब का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। क्यूब आजकल लूडो सभी खेल रहे हैं बेटा, बड़ा ट्रेंडिंग पे है लूडो। लूडो का जो डाइस होता है वो क्यूब होता है, सारी साइड इक्वल है, हर एंगल 90 डिग्री है, ये बात हम सब जानते हैं। तो क्यूब के बारे में कुछ बेसिक बातें पहले हम देखते हैं, ये सारे नॉलेज हमें होना चाहिए। आज मैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यूब, जो सिर्फ मेरे हिसाब से 7th 8th 9th 10th का बच्चा भी कर सकता है ना, ये जनरल क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई साइंस कोई केमिस्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक है, बेसिक मैथमेटिक्स प्लस माइनस फिगर का विजुअलाइजेशन होना चाहिए। तो वो सारे सवाल आज मैं भेजूंगा, वो तुम्हें करने हैं। तो पहले के लिए, एक बार के लिए क्यूब की सारी बातें, बेसिक इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो समझ लेते हैं। तो क्यूब क्या है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल, ये तो हमें पता है। क्यूब क्या है, जिसकी सारी साइडें क्या होंगी, इक्वल, और ऑल एंगल 90 डिग्री, चाहे फिगर में कैसे भी दिख रहा हो बेटा, लेकिन सारे एंगल इसके कितने हैं, 90 डिग्री हैं। हाँ या ना, बात ये समझ आई। अब इस पर कुछ बातें करते हैं, जैसे क्या क्या हमें बात करना है, इसका फेस क्या होता है और कितने होते हैं, फेस क्या होता है और कितने होते हैं। तो इसके कितने फेजेस हैं भाई, इसके कितने फेजेस हैं, दोबारा से बोल रहा हूं, इसके कितने फेजेस हैं। तो इसके 6 फेज हैं भाई, ये एक तरीके का कमरा है, दीवान में ये समझो, ये एक तरीके का रूम है। तो इस रूम के टोटल 4 दीवारी, एक छत, एक फ्लोर, रूफ जो होता है, एक रूफ और एक फ्लोर, यानी टोटल 6 साइड्स होती हैं। तो इसीलिए इसकी जो फेज है, हम वैसे तो इसको साइड बोलते हैं बट इस चैप्टर में हम उसको फेज बोलेंगे। तो इसके कितने फेज हैं, 6 फेजेस इसके होते हैं। हाँ या ना, उसको नंबरिंग करने की जरूरत है बेटा, बहुत हिचपिच हो जाएगा। तो इसके कितने फेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। एक वर्ड आता है कॉर्नर, है ना, जिसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में, वर्टेक्स, है ना। तो इसके कितने वर्टेक्स यानी कितने कॉर्नर्स हैं, तो देखो इसके कॉर्नर कितने हैं, एक कमरे में क्या कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि 1 2 3
चार, तो चार तो ये हो गए, एक दो तीन चार, चार कॉर्नर्स ये हो गए, तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, आठ कॉर्नर्स होते हैं, टोटल एट कॉर्नर्स एक क्यूब में होते हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉर्नर। कॉर्नर तो सिंपल भाषा में हो गया, बाकी इसी को बोलते हैं वर्टेक्सिस, इन्हीं को ही बोला जाता है। हाँ या ना, कोई इस चीज में डाउट हो तो मुझे बोले पक्का। एक होता है एज, एज, एज क्या होता है, एज होती है ये वाली लाइन है ना, जो कि दो फेजेस को आपस में मिलाती है, दिस इज एज। बात समझ में, जहां पे दो फेजेस मिलते हैं, जैसे ये जो तुम्हारा रूम है, तो जो छत है, जो छत है, जो छत दीवार से जहां मिल रही है, वो पूरी लाइन उसको हम क्या बोलते हैं, एज। तो ये पूरी लाइन क्या है, एक एज होती है। क्या मेरी बात समझ आई, ये पूरी लाइन क्या है, एज। तो क्यूब में टोटल कितनी एजेस हो गई, क्यूब में कितनी एज हो गई, एक एज ये, एक ये, मतलब सारी जितनी भी हैं, एक ये, दो तीन चार, ये सारे एजेस हैं, चार नीचे हो जाएंगी, देखो चार ये नीचे वाली होंगी, चार तो ये हो गई, और चार ये वाली वर्टिकल वाली भी होंगी। यानी एक क्यूब में टोटल कितने एजेस होते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने एजेस हो गए, 12 एजेस हो गए। याद रखेंगे, बड़े सवाल पूछता है, ये बातें नहीं पता हो तो हम कर नहीं पाते। वर्टेक्स, कॉर्नर, एज, यानी जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो लाइनें होती हैं जहाँ पे दो फेजेस आपस में मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एज। तो टोटल इसमें 12 एज होते हैं। पक्का या नहीं, इसमें कोई डाउट किसी को, किसी भी प्रकार का, तो मुझे बोले। ठीक है, तो ये एज हमारे पास हो गया, कॉर्नर, वर्टेक्स, एज, फेस, ये सब हो गए। आगे हम देखते हैं, एक हम देखेंगे इसका बॉर्ड, फेस डायगनल। फेस डायगनल क्या होता है, फेस डायगनल का मतलब जो इसकी छह फेजेस हैं उनमें से किसी एक फेज का डायगनल। तो मान लो ये एक फेज हमने ली, तो ये जो डायगनल है ना, टोटल कितने भी हो सकते हैं, तो ये जो डायगनल है इसको बोलते हैं फेज डायगनल। क्या मेरी बात समझ आई, इसको क्या बोलेंगे, फेस डायगनल। बात समझ आ रही है भाई, ये क्या हो गया एक तरीके का फेज डायगनल। मुझे बताओ एक बॉडी में, एक क्यूब में कितने फेस डायगनल होते हैं, कितने फेस डायगनल होंगे, सोचो। चलो, तो एक फेज में कितने डायगनल है, एक फेज में दो हो सकते हैं भाई, एक इधर या दूसरा ये भी हो सकता है, एक फेज में दो डायगनल हो सकते हैं, तो एक फेज में दो है तो टोटल छह फेज होंगी, तो 6 × 2 यानी 12 फेज डायगनल एक क्यूब में पॉसिबल होते हैं। पक्का या नहीं। नेक्स्ट इज बॉडी डायगनल, नेक्स्ट इज बॉडी डायगनल। अब बॉडी डायगनल कितने होते हैं, पहले क्या होते हैं बॉडी डायगनल, बॉडी डायगनल वो जो कि एक क्यूब की बॉडी में से, यानी फिगर के अंदर में से पास करें। जैसे कि मान लो इस कॉर्नर से हमने लिया, तो इस कॉर्नर का नीचे के साइड अपोजिट कॉर्नर, इस कॉर्नर का नीचे के साइड अपोजिट कॉर्नर, यानी यहां से ये वाला ना, ये वाला जो है ये, या यहां से हम इस वाले को बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगनल। ये क्या है, बॉडी डायगनल। तो बॉडी डायगनल कितने होंगे एक क्यूब में भाई, बॉडी डायगनल होंगे चार। थोड़ा सोचो बेटा ना, मैं अब एनिमेशन में दिखा पाऊंगा, इस फिगर में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को बताना। बाकी देखो समझो, यहां से लेते हुए एक इधर, एक यहां से लेते हुए इधर, मैं एक नंबरिंग कर देता हूँ शायद ज्यादा अच्छा समझ पाओ। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8, मैं इन सबके नंबरिंग लिख देता हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन से डायगनल की बात कर रहे हैं। सर बॉडी डायगनल मैं कौन कौन से बोल रहा हूँ, एक 1 5, एक 1 5 बॉडी डायगनल है, 1 5, 2 6 तो ड्रॉ किया ही है, 2 6, यहां से 8 4 और 7 3, यानी चार बॉडी डायगनल इसमें पॉसिबल है। अगर इस फिगर को देखो तो इसके चार बॉडी डायगनल पॉसिबल है, 1 5, 2 6, 8 4 और 7 3, तो ये इसके चार बॉडी डायगनल होते हैं।
क्या मेरी ये बात समझ में आई या नहीं? पक्का श्योर? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलें, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मतलब ठीक है। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अभी, ठीक है, खत्म नहीं हुआ। अब इसमें ना कुछ बेसिक बातें, जैसे अभी हमने कॉर्नर्स देख लिया, फेस सेंटर देख लिया, इनके कुछ बेसिक कैलकुलेशंस भी देखते हैं क्यूब की। ये क्यूब है, कुछ सवाल है ना, बेसिक बेसिक सी बातें मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो ये चैप्टर में, वरना फिर बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये अगर क्यूब है, इस क्यूब की साइड है ए, इस क्यूब की साइड कितनी है? ए है। अब मुझे ए के फॉर्म में है ना, चाहे तो ए को तुम 10 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, मैं ए लेके चल रहा हूँ। ए के फॉर्म में मुझे बाकी सारी बातें कैलकुलेट करनी है, क्या क्या, सुनते रहो। इसकी साइड कितनी है? ए है। तो अब मैं कह रहा हूं मुझे निकालो इसका, क्या क्या निकालना है ध्यान देंगे। पहला फेस डायगनल, लेंथ ऑफ फेस डायगनल, इसका फेस डायगनल की लेंथ कितनी है? फेस डायगनल की लेंथ कितनी है? बी पार्ट, बॉडी डायगनल की लेंथ कितनी है? भाई कितनी बड़ा है इसका बॉडी डायगनल है, पक्का। सी पार्ट में निकालना चाह रहा हूं कि ए, और इसको ए माना, ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं पहले ना बेटा, ताकि ए बी के फॉर्म में ज़्यादा आसानी से तुम्हें समझ पाओ। ये ए बी सी डी, ठीक है। तो एक हमें क्या निकालना है? जी आई निकालना है। जी आई का मतलब है यहां से इस सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद डी हम निकालेंगे, डी पार्ट क्या है? इस कॉर्नर से इस बॉडी सेंटर का डिस्टेंस। देखो आई क्या है? आई फेस सेंटर है, आई हमारे पास फेस सेंटर है, और जे क्या है? जे हमारे पास बॉडी सेंटर है। तो बॉडी सेंटर का और फेस सेंटर का ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो एक हमें जी और जे निकालना है, जी जे के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये चार बातें एक एक करके हमें निकालनी है। हम बात करते हैं पहले फेस डायगनल की ना, फेस डायगनल में निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं ऊपर वाली फिगर देखूँगा ना, सिर्फ ये वाला पार्ट देखता हूँ, ए पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, देखेंगे, ठीक। तो ये अगर एक फेस है, कौन सा लिया मैंने? ये ऊपर वाला, ये वाला फेस लिया, क्या है? जी एच ई और एफ, यही है, जी एच ई एफ, ये चार हमने लिया। अगर इसमें ये साइड ए है, तो ये चारों साइड ए हो गई। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे फेस डायगनल निकालना है। तो जी ई इज द फेस डायगनल, जी ई फेस डायगनल है ही। तो मैंने क्या किया? जी ई फेस डायगनल निकालने के लिए भाई, ये एक तरीके से ले लिया इन ट्राइंगल जी एच ई, जी एच ई ट्राइंगल में जी एच का स्क्वायर प्लस एच ई का स्क्वायर इक्वल टू जी ई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ना। तो जी ई कितना आ जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, यानी जी ई, यानी बॉडी फेस डायगनल हमारे पास क्या आ गया? रूट टू ए। ये बातें चाहे तो याद भी रख सकते हो, व्हाट इज अ फेस डायगनल? रूट टू ए, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? रूट टू ए हो गया, हाँ या ना? मैं लगे देखो इसी में, यहीं पे कर रहा हूँ सी पार्ट भी। जब इसके फेस का डिस्टेंस कितना है? रूट टू ए है, फेस कितना है? रूट टू ए है। तो इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जी आई क्या हो जाएगा? जी आई क्या हो जाएगा? जी ई का आधा, भाई उसके आधे पे ही तो फेस सेंटर होगा। तो ये हो जाएगा रूट टू ए बाय टू, यानी ए बाय रूट टू। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं? यानी फेस डायगनल कितना हो गया? रूट टू ए। फेस सेंटर कितने डिस्टेंस पे हो गया कॉर्नर से? ए बाय रूट टू। ये पता है जेई में सवाल पूछा था, बड़ा सिंपल सा, कि ये बोला था कॉर्नर से फेस सेंटर का डिस्टेंस बताओ। सिंपल सा सवाल था ये, 2018 का ही है, पिछले से पिछले साल का, यानी हाँ 2018 का या 19 का, इससे पुराना नहीं है। कि भाई कॉर्नर से फेस सेंटर का डिस्टेंस बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? ए बाय रूट, पक्का। तो मेरे हिसाब से ए और सी दोनों पार्ट हो गए। फेस डायगनल हमें पता चल गया, ए कितना आ गया? रूट टू ए, और फेस सेंटर कितना हो जाएगा?
ए बाय रूट टू। अब हम बॉडी डायगोनल निकालते हैं। अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें, देखो मैं फिगर बना रहा हूं पहले, ये हमारे पास क्यूब है और मुझे डिस्टेंस निकालना है यहां से, लेट से ये पीछे वाला, ये वाला निकालना है। ये मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? फिगर क्लियर होनी चाहिए, जितनी तुम्हें फिगर साफ दिखेगी उतना तुम इसको विजुअलाइज कर पाओगे। तो देखो मुझे ये निकालना है, यानी एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल के साथ। तो मैंने क्या किया, देखो ये वाला फिगर लिया, ये फिगर मेरे पास सबसे बढ़िया है, ये मतलब ये देखो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, समझ आ रहा होगा। मान लो ये ए लिया, ये बी और ये सी सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो ये ट्राइंगल ए बी सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब इस ट्राइंगल में जो ये बी ए सी का जो एंगल है, एंगल बी ए सी जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। ध्यान से देखो ना, ये डायगनल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री बन गया। इसीलिए मुझे एक राइट ट्राइंगल लेना था जिसमें बी सी एक साइड आ रही हो, तो बी सी साइड आते हुए सिर्फ यही एक ट्राइंगल पॉसिबल है जो 90 डिग्री का बन रहा है। हाँ कोई चाहे तो ये भी ले सकता है। देखो सर कहते सर ये ले लिया मैंने बी सी और ये डी ले लिया, तो एक ही बात है बेटा, तुम ये नीचे का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस साइड की, इस क्यूब की साइड कितनी है, ए, तो ए सी कितना है, ए है हमारे पास भाई। ए सी कितना है, ए सी तो ए है हमारे पास। ए सी कितना है, ए, साइड ए गिवन है। ए बी कितना है, देखो ए सी हमारे पास कितना है, ए, ए बी कितना है, ए बी हमारे पास क्या है, क्या वो फेस डायगोनल है, और फेस डायगोनल अभी हमने निकाला है कितना है, रूट टू है। तो ए बी मेरे पे रूट टू है, ए सी कितना है, ए है, तो बी सी कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और तो बी सी हमारे पास कितना आएगा, देखो बी सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर कितना है, डायरेक्ट बी सी लिख दो बेटा, बी सी कितना है, ए सी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, रूट टू ए का स्क्वायर, इस पूरे का रूट। तो यहाँ से बी सी हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा 2 + 1 3, यानी रूट थ्री ए हमारे पास कितना आ गया, रूट थ्री ए, यानी बी सी हमारे पास कितना आ गया, रूट थ्री ए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉडी डायगनल हमारे पास कितना है, बॉडी डायगनल हो गया रूट थ्री ए, बॉडी डायगनल हमारे पास कितना आ गया, बॉडी डायगनल इज रूट थ्री ए। यहाँ से पता चल गया बॉडी डायगनल रूट थ्री ए। और जो हमारे पास क्या था, जी जे है ना, ये जी था और ये जे था, अगर बॉडी सेंटर का डिस्टेंस था बेटा वो मिटा दिया मैंने, तो बॉडी सेंटर किस डिस्टेंस पे होगा, बॉडी सेंटर इसके आधे पे, यानी रूट थ्री ए बाय टू, यानी रूट थ्री ए बाय टू, ये हमारा बॉडी सेंटर हो गया। ये चारों सवाल बात समझ आ गई होगी, इन चारों को एक बार समराइज कर लेते हैं। क्या किया है हमने, ये देखा है कि फेस की अगर बात करें तो फेस डायगोनल किस डिस्टेंस पे होता है, रूट टू ए। क्यूब का जो फेस डायगोनल है वो कितना है, रूट टू ए। और फेस सेंटर कितने पे है, फेस सेंटर लिख रहा हूं वो है ए बाय रूट टू, इसके आधे पे। अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूं बॉडी पे, तो इसमें क्या हो गया, एक तो बॉडी सेंटर है, एक बॉडी डायगोनल लिख देता हूँ, बॉडी डायगोनल और बॉडी सेंटर। तो बॉडी डायगोनल कितने पे है, रूट थ्री ए, और बॉडी सेंटर रूट थ्री ए बाय टू। यानी ये जो क्यूब है इस क्यूब को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, और इसको अगर ओरिजिन मानूं ना, ओरिजिन मैथ्स के बच्चे अच्छी तरह समझेंगे कुछ, कि अगर ओरिजिन मानू 0 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इसके नहीं मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। एक काम करो, कुछ मैथ्स के कुछ बायो के हैं तो ट्राई करो बेटा खुद ही, नहीं लगता है तो मुझसे डाउट में पूछना। अगर इसको ओरिजिन मानू तो इन सब के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस फेस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और इस बॉडी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये दिमाग लगाना है ना। तो इन सब के, तो ये अगर तुमने भर लिया, मतलब तुम्हें ये आज का लेक्चर समझ आ गया, एक क्यूब का कॉर्नर अगर ओरिजिन है तो
इसके सारे कॉर्नर्स के किस किस कोऑर्डिनेट, इसकी साइड बेटा ए ले लिया हमने, ठीक है साइड ए ली है, तो क्या जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमने लिया है एक्स एक्सिस होता है, तो ये हो जाएगा ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो इसी तरीके से तुम्हें सारे भरने। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, शायद सबको समझ आ गया होगा ना।